पाकिस्तान के जो बहुत बड़ी हस्ती हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आया हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के मज़ार पर। मज़ार मुबारक के अंदर आ गया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, एक और ब्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। और जैसे आपको मालूम है कि मैं मुल्तान में आजकल आया हूँ, तो मुल्तान को कवर करने में लगा हूँ। तो आज मैं भाई मुल्तान की बहुत बड़ी हस्ती, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं सूफिया औलिया के सरजमी पर जा रहा हूँ, तो औलिया की सरजमी पहले भाई मुल्तान के जो बहुत बड़ी हस्ती हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आया हूँ। तो बहुत ही ऊँचाई पर मैं आया हूँ नीचे चढ़कर। तो अब मज़ार का आपको व्यू ज़रा दिखाता हूँ, चेक करें आप। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा मज़ार बना हुआ है ऊंचाई पे। और सामने चल रही रेड मेट्रो बस का पुल। तो चलें आगे की तरफ चलते हैं, मज़ार के अंदर से आपको व्यू दिखाते हैं। ये मैं पहुँच चुका हूँ हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के मज़ार पर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराने बुज़ुर्ग मुल्तान के। अंदर जा रहा हूँ मैं, पुरानी तर्ज की इमारत। और ये अंदर से मनाज़िर, सामने कबूतरों को दाना भी खिलाया जा रहा है। और यहाँ भी कुछ कब्रें बनाई हुई। ये मज़ार मुबारक के मैं अंदर आ गया हूँ। ये मज़ार के हम बाहर आ गए हैं, बस अब घर की तरफ जा रहे हैं वापसी। मुल्तान का आपको मैंने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार दिखाया, जो कि मुल्तान में वाकई है। थोड़ी हिस्ट्री बता दूं आपको, 1170 में इनकी विलादत हुई और वफात 1262 में। ये बहुत ही पुराने बुज़ुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो शॉर्ट सा, जिसमें मैंने आपको दिखाया तारीखी जगह हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले तमाम व्लॉग बहुत अच्छे हैं मुल्तान के। तो अब आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के अल्लाह हाफिज़।